प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। आईएएस से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अवनीश कुमार अवस्थी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अवनीश अवस्थी 28 फरवरी 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। नियुक्ति विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी सरकार में अवनीश अवस्थी की धमाकेदार वापसी। सीएम योगी ने तैनात किया अपना सेनापति। सीएम के प्रशासनिक सलाहकार पद पर पावरफुल तैनाती। पिछले महीने ही हुए थे एसीएस के पद से रिटायर। यूपी कैडर के 1987 बैच के आईएएस हैं अवनीश अवस्थी। मृत्युंजय कुमार पहले से ही हैं सीएम योगी के सलाहकार। आईएएस से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अवनीश कुमार अवस्थी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अवनीश अवस्थी 28 फरवरी 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। नियुक्ति विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल विस्तार पाने की तमाम चर्चाओं के बीच 31 अगस्त को अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए थे। अवनीश अवस्थी के पास गृह के अलावा गोपन, वीजा पासपोर्ट, जेल प्रशासन और सुधार, सतर्कता विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग की जिम्मेदारी भी थी। साथ ही वो यूपीडा और यूपी स्टेट हाईवे अथॉरिटी के सीईओ के अलावा डीजी जेल भी थे। वहीं ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त चार्ज भी उनके पास था। गौरतलब है कि यूपी कैडर 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे। वो मुख्यमंत्री योगी के भरोसेमंद अधिकारियों में माने जाते रहे हैं, इसीलिए उनकी सेवानिवृत्ति के पहले से ही सेवा विस्तार मिलने के कयास लगना शुरू हो गए थे, जिसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को सेवा विस्तार का प्रस्ताव भी भेजा गया, जिसे केंद्र से स्वीकृति नहीं मिली। और अब उनके अनुभव और कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें अब मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। दरअसल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब अवनीश अवस्थी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य उन्हीं के सीईओ रहते हुआ था। बता दें कि अवनीश अवस्थी सीएम योगी के काफी भरोसेमंद और पावरफुल ब्यूरोक्रेट रहे हैं। अवस्थी 1984 के बाद सबसे लंबे समय 3 साल 1 महीने तक गृह विभाग का मुखिया बने रहने का भी रिकॉर्ड बनाया है। उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2022 तक रहा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मृत्युंजय कुमार पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं और अब अवनीश कुमार अवस्थी को भी मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया है, जो मुख्यमंत्री को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देंगे। हाल ही में उन्होंने मथुरा में धर्मार्थ कार्य विभाग की एक बैठक में हिस्सा लिया था, जिसके बाद से ही उनकी नई भूमिका को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। अवनीश अवस्थी सीएम योगी के काफी भरोसेमंद रहे हैं और अब उनके सलाहकार के रूप में भी अच्छे कार्य करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।